हेलो, गुड इवनिंग सर। फाइन कैसे हैं आप? सर, थैंक यू सर। ओके, कहाँ से बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र। ओके ओके, मुझे प्लीज बताएंगे आप किस क्लास में हैं? 10th सर। 10th क्लास में। ओके, मुझे बताइए आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? सर, जो मैंने आपको फोटो भेजा है वो क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट आप मुझे दीजिए, मैं आप आपका ब्रेन का फोटो दे रखा है इसमें, राइट? तो यस। ब्रेन के फोटो में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो दे रखे हैं, लेबलिंग दे रखी है, जिससे आपको पहचानना है और उसको पहचान के फिर आपको बताना है कि ब्रेन का ये पार्ट क्या है और इससे क्या काम होता है ना? ठीक है, हम आपको पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसमें मैं स्ट्रक्चर देख, पहले अच्छे से देख लेता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। फिर सबसे पहले तो पी दिया हुआ है, पी को हम बोलते हैं सेरेब्रम, जो कि फोर ब्रेन में आता है। हाँ, फोर ब्रेन में आता है। फिर जो आर होता है वो उसका ये मिड ब्रेन का पार्ट होता है। फिर ओके। जो क्यू होता है वो, हाँ, मिड ब्रेन। एक मिनट में एक बार वो स्ट्रक्चर देख लेता हूँ ब्रेन का, मेरे पास बुक है उसमें, तो आपका आंसर प्रॉपरली मिल जाएगा। ओके, जस्ट अ मिनट। सर, मेरी डेली लिमिट मतलब पहुंच गई है, तो 3 मिनट में क्लास खत्म होने वाला है। अच्छा, ओके, चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपके आंसर देने के लिए। ओके। पी क्यू आर एस को हमें पहचानना होगा। सबसे पहले 1 मिनट दीजिए, मैं आपको अभी इसका जवाब देता हूँ। कौन से बोर्ड में वैसे आप? सीबीएसई। सीबीएसई बोर्ड। ओके ओके ओके, जैसे पी आपको दिया हुआ है तो पी आपका सेरिब्रम है। पी तो हमने पहचान लिया, ठीक है, पी क्या ओके। है? सेरिब्रम है ना। फिर हम देख लेते हैं इसमें, इसके बाद जो आर आपको दे रखा है उसमें आर कहाँ दे रखा है वो देखते हैं। आर आपको मिड ब्रेन का पार्ट दे रखा है, क्यू सेरिब्रम है, क्यू सेरिबेलम है, क्यू सेरेबेलम। सेरिबेलम है, क्यू ओके। फिर और आगे देख लेते हैं इसमें। एस वाला जो पार्ट है वो मेड्यूला है, क्या है? एस वाला पार्ट मेडुला। मेड्यूला है। हाँ, ओके। मेड्यूला है ना। तो वो बोल क्या रहा है? वो ऐसा बोल रहा है कि विच रीजन इज रिस्पॉन्डिंग फॉर द पेन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट और ओकेशन एसोसिएशन, राइट? ठीक यस। है, ठीक है, आपको उसका आंसर बता देते हैं। कितने मिनट बाकी हैं अभी आपके इसमें? 1 मिनट सर।
देखिए इसमें आपको बताना है कौन सा रीजन होता है, तो इसमें आपको रीजन बताना पड़ेगा पी, ठीक है, सॉरी रीजन पी नहीं, रीजन क्यू, सेकेंड का आंसर हो जाएगा रीजन क्यू, और फंक्शन आपको बता देते हैं कौन से क्यों है, और मेमोरी, ये पी के फंक्शन है, और इंटेलिजेंस, ओके, ये थर्ड का आंसर है। हेलो, हेलो सर, फोर्थ का, फोर्थ आपको इसमें और में दिया हुआ है ना, ओके ठीक, क्लियर है तो मुझे रेटिंग दे दीजिए, ओके ओके सर, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।